हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक रेसिपी लाई है, तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बताऊंगी कि अगर आप उत्तप्पा बना रहे हो, डोसा बना रहे हो, या फिर इडली बना रहे हो, या फिर अप्पे बना रहे हो, उसके लिए कितना आपको मेजरमेंट से लाइक ताज राइस लेना है, उड़द की दाल लेनी है, ये पोहा और ये चने की दाल, तो मैं आज आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले मैंने इस वाटी के मेजरमेंट से, इस बाउल के मेजरमेंट से मैंने तीन वाटी चावल डाला है। इसमें तीन वाटी चावल है इसमें, और इसी वाटी के मेजरमेंट से मैंने एक वाटी उड़द की दाल ली है, और इसी वाटी के मेजरमेंट से मैंने एक वाटी पोहा लिया है, और यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 चम्मच ये रोस्टेड चना लिया। अगर रोस्टेड चना नहीं हो तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसे आप अच्छे से वॉश करके आप इसे पानी में 5 से 6 घंटे आप इसे रख दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चावल लेना है, ये राइस को, फिर इसमें उड़द की दाल और ये चने की दाल, ये तीनों को वॉश करके इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख देना। फिर ये जो पोहा है, जब आप इसे ग्राइंड करने जाएंगे, इसे पीसने जाएंगे, तब पोहा 10 मिनट के लिए आपको सोक करना है पानी में, और उस वक्त इसे भी ग्राइंड करना है। इसे पहले से सोक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी गल जाएगा। तो इसे जब आप ग्राइंड करने जाएंगे 5-6 घंटे बाद इस सारी चीज़ों को, तभी इसे 10 मिनट के लिए आप पानी में रख देना 10 मिनट के लिए। फिर इसे ग्राइंड करने के समय इसे भी ग्राइंड कर लेना, वो मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी। इसे मैं अच्छे से धोकर अभी पानी में रखने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये मेथी दाना है, इसे मैं बताना भूल गई। सो आप इसे जब सब कुछ वॉश कर लेंगे, लाइक चावल, उड़द की दाल और चना, उसमें आप ये डाल देना। एक्चुअली क्या होता है, समटाइम मैं इसे स्किप करती हूँ, बिकॉज़ ये स्पेशली फर्मेंटेशन के लिए डालते हैं लोग, कि अच्छे से उसमें खमीर पड़ जाए। तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ठंडियों के टाइम में खमीर आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इसे जब भी इसे वॉश करेंगे, लाइक वो सारी चीज़ों को, तो उसमें ये भी डाल के भिगो देने का। फिर 4-5 से 6 घंटे बाद इसे भी उसमें ग्राइंड कर लेना, या आप धोने के तुरंत बाद इसे भी डाल लेना चाहिए। तो इसे वॉश भी कर सकते हैं, बिकॉज ये मैं एंड में डालती हूँ, बिकॉज ये छोटे छोटे दाने हैं तो ये बाहर गिर जाते हैं, इसलिए मैं इसको एंड में डालना पसंद करती हूँ। तो अब हम इसे इसमें मिलाकर रख देंगे, इसे आप अच्छे से रख दी। तो जी दोस्तों, अब यहाँ पर हम चटनी की तैयारी करेंगे। चटनी के लिए मैंने रोस्टेड चना लिया हुआ है, जिसे मैं फिर से तवे पर रोस्ट कर रही हूँ, हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम चटनी के लिए क्या क्या लेंगे वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर नारियल, एक बड़ा नारियल लिया था, एंड उसमें ये 2.5 चम्मच चना, एंड ये अनियन, छोटा सा अनियन था, उसे मैं काट के स्लाइस करके पानी में रख दिया। मिर्ची ले लिया, और स्वाद के अनुसार नमक। तो एक मिक्सर के जार में हम सारे नारियल डाल देंगे, ये चने डाल देंगे, देन ये अनियन कट करके जो मैंने पानी में रखा था वो डाल देंगे, और मिर्ची जिस जैसा आपको तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, एंड नमक स्वाद के अनुसार आप ले लीजिएगा, एंड पानी सफिशेंट ले लें, जितना आप चटनी के लिए पतला जाड़ा जैसा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरी चटनी रेडी हो गई पीस कर, तो इसे मैं साइड में कर दूंगी। अब मैं इसे तड़के के लिए मैं क्या क्या लेती हूँ आप देख सकते हैं। एक साबुत, 2 साबुत लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है, उड़द की दाल है, और राई है, मस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले आप इसमें राई डालिएगा। राई डालने के बाद इसे तड़तड़ने दीजिएगा, ठीक है। और राई डालने के बाद इसमें आप इसमें सेकंड डालेंगे उड़द की दाल। जी हाँ, उड़द की दाल डालेंगे। उड़द की दाल को ज़्यादा जलाना नहीं है, उसे हल्का कलर देना है। तो उसके तुरंत बाद आपको, उड़द के तुरंत बाद आपको लाल मिर्च डालनी है, साबुत लाल मिर्च जो मैंने आपको दिखाया है, एंड उसके बाद कड़ी पत्ता, करी लीव्स डालना है, ठीक है। इसे अच्छे से डाल के इसको आप चटनी में डाल दीजिएगा। ये इस तरीके से ज़रूर बनाइए दोस्तों, बहुत यम लगती है चटनी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये चटनी का तड़का रेडी हो गया है। अब मैं ये डाल रही हूँ चटनी में, सो ये गया चटनी के अंदर। फिर आप इसे अच्छे से असेंबल कर दीजिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा। तो अब ये लाइक आपको जिसके साथ भी खाना पसंद करो, लाइक यू नो अप्पे, डोसा, इडली, अच्छा फील देता है, ठीक है। अनियन टोटली आपके ऊपर था, आप इसे स्किप कर सकते थे, बट अनियन डाल के एक बार आप टेस्ट करिएगा, बहुत ही यम लगता है। तो यहाँ पर हम भाजी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आलू लिया है, उड़द की दाल लिया है, जीरा और राई लिया है, हल्दी, नमक।
यहाँ पर दो बारीक अनियन काटा था, मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार लेना, टमाटो ले लेना, धनिया ले लेना। और यहाँ पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। अब मैं उसमें जीरा और राई दोनों एक साथ डालूंगी। इसे अच्छे से तड़ने के बाद उसमें मैं करी उड़द की दाल डालूंगी। या उड़द की दाल डालने के तुरंत बाद आप करी लीव्स डालना, कड़ी पत्ता डालना। कड़ी पत्ता डालने के बाद आप उसमें प्याज और मिर्ची ये दोनों साथ में डाल देना। फिर इसे अच्छे से स्टार कर लेना, हल्का कलर दे देना, गोल्डन कलर। इसे ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं, इसको हल्का सा मतलब ट्रांसलूसेंट हो गया तो इसमें तुरंत आप टमाटो डाल देना। टमाटो डालने के बाद अभी इसे टमाटो और ये सब चीज़ों को अच्छे से पकाना है, जिसके लिए मैंने नमक और हल्दी एक साथ छोड़ दिया ताकि टमाटो को जल्दी से जल्दी गलने में इसको हेल्प हो जाए। तो ये हल्दी और नमक की सहायता से तो ये जल्दी से जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये पकने के लिए डाल दिया है और इसे मैं बार बार ओपन करती रहूँगी। देख सकते हो आप, तो यहाँ पर मैं इस वापस लीड लगा के इसे ढक कर पकाऊँगी। टाइम लगता है, ये भाजी बनने में लग आपको कुछ 12 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, बहुत अच्छा लगता है। सो अब यहाँ पर मैंने बॉयल मतलब लाइक पटेटो को अच्छे से मैश कर दिया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी, इसको भी अच्छे से असेंबल कर दूँगी, इसे अच्छे से मिला लूँगी। ठीक है, अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर मैं एक बीच में एक स्पेस बनाती हूँ, गोल करती हूँ, जगह बनाती हूँ गोल गोल, ताकि इसमें मेरे को पानी डालना है। यहाँ पर आप पानी डाल, आपने मोस्टली देखा होगा कि जो भी साउथ के लोग एंड जो भी ये डोसे बनाते हैं उसके जो मसाले रहते हैं काफ़ी गीले रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पानी डालते हैं। पानी बीच में हम डालते हैं ताकि वो पानी को भी एक अच्छी सी उबाल आ जाती है। तो बीच में डालने के बाद पानी को एक अच्छी सी उबाल आ जाए तो फिर से आप इसे अच्छे से असेंबल करके लीड लगा देना। देन उसके बाद आप एंड में कोरिएंडर डाल के इसे फिर से अच्छे से स्टर कर देना। सो यहाँ पर भाजी टन टन रेडी। सो यहाँ पर मैंने पोहा सोक करके रख लिया था। जैसे मैंने बताया था कि जब भी मैं सारी चीज़ों को पीसने जाऊँगी तो मैं पोहा को 10 मिनट के लिए सोक कर लूँगी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मुझे मिक्सर जार में लेके पीसना था। तो यस, मैंने यहाँ पर लेके पीस लिया था। तो आप इसकी थिकनेस देखना, आप इसके कंसिस्टेंसी देखना कि मैं कितना ले लूँ, आप इसी हिसाब से लेना, ताकि जब भी आप इडली बनाओ, डोसा बनाओ, उत्तप्पा बनाओ, अन्नत्तप्पा, कोई अप्पे वगैरह जो भी बनाओ, आप इसका इतना ही कंसिस्टेंसी रखना और आपका प्रॉपर बनेगा। ठीक है, सो इसे मैं अच्छे से स्टर करके इसको लीड लगा के मैं ओवरनाइट में से रख दूंगी, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप खुद ही रिजल्ट देखिएगा। सो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं इसे चेक करती हूँ, देखो कि इतने अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको अलग से। सो ये हो गया है। सॉरी दोस्तों, शाविन की आवाज़ बीच बीच में भाजी बनाते वक्त बहुत आ रही थी, प्लीज़ आप अवॉइड करना। सो ये अच्छे से हो गया है। अब मैं आपको एक और बोलूँगी, अगर आप कभी गलती से ज़्यादा बना देते हैं तो आप इसे अलग से भी निकाल के रख सकते हैं। अगर आप उसको 3-4 दिन बाद खाना है, कुछ और प्लान करना है, जैसे 3-4 बाद इडली बनाना है या कुछ और बनाना है, तो इसे आप अलग से रख सकते हो डब्बे में, अच्छे से टाइट कंटेनर में रख दोगे। एंड जितना बनाना है उतने में ही सॉल्ट डालना, अलग उसमें सॉल्ट नहीं डालना, जो बना रहे उसमें ही डालना। तो यहाँ पर मैं पैन लेती हूँ, पैन में मैं ऑयल डालती हूँ, फिर मैं उसमें पानी डाल के एक अलग से तड़तड़ करने की आवाज़ आती है ना, तो वो उतना रुकने का, फिर आप टिश्यू पेपर की सहायता से या फिर ऑनियन को एक कट करके उसके पीछे से आप इसको इसके साथ अच्छे से वाइप आउट कर सकते हैं, इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं पोंछ देने का। फिर यहाँ पर मैं जैसे कि आपको बताया है, मैं यहाँ पर उत्तप्पा बना रही हूँ, तो उत्तप्पे के लिए मैंने लिया सब मोटा करके डालना, मतलब इतना पतला ले मत बनाना। सो एक बड़े स्पून की सहायता से यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है बैटर को, और डालने के बाद मैं इस पर लीड लगा दूँगी। लीड लगाने बहुत आसानी से ये निकल जाता है, ठीक है, अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं कि तेल डालने के बाद तुरंत ही पानी डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ना, ये बहुत अच्छे से निकल जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है, वाह वाह आह। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनों बन के रेडी है। सो अभी यहाँ पर मैं मॉम डैड के लिए लेके जाना चाहती हूँ, बट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक मैं छोटा सा डोसा भी आप लोगों के लिए दिखाना चाहती हूँ कि सी डोसा भी काफ़ी अच्छे से बन जाता है। सो ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दो डोसा बनाया था,
ये मैं एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में मैं ये एक हाथ से मैं अपना हाथ चला रही थी। सो ये दो डोसा देखो, और उसी बैटर से मैंने ये बनाया था उत्तपा। सो यस, यहाँ पर हो गया है अच्छे से हमारा, आप देख सकते हो। लास्ट में अगर, हाँ ये मैंने बटर वाला बनाया, ये मैंने आपको बटर वाला भी दिखाना था। सो ये एंड में मैंने बटर वाला बनाया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरीके से फॉलो करके बनाएंगे तो आपका डोसा, उत्तपा, इडली वो बहुत अच्छे से बनेगा। तो डू फॉलो दिस रेसिपी। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जो स्टोर किए हुए बैटर से इडली बनाया था। एंड या फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और मुझे मोटिवेट करना।